यू वाला, ये बार ये ट्राई करो। सबसे पहले आप सभी को मेरे प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है निधि नेगी और आप सभी का स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की जो स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है 7:04 हो रहे हैं और बाहर इतनी धूप लग गई ना, बहुत तेज जल्दी धूप लग गई है। और अभी मेरी बन रही है चाय। चाय रखी मैंने अपने लिए, चाय पीऊँगी थोड़ा सा। वैसे कम पीने पर कभी कभी मन करता है तो बना देती, वैसे नहीं बना पाती चाय, कम बनाती हूँ, पर जब मन करता है तो बना देती हूँ। तो पहले मैं चाय पीती हूँ, फिर मुझे यहाँ बहुत सारे काम है, सफाई सफाई करनी है, फिर ऑफिस जाना है। तो मिलते हूँ आपको। मैंने पूरी सफाई सफाई करके अपने लिए खाना बना दिया। जैसे सफाई हुई वैसे मैंने अपने लिए दाल रखी थी ताकि दिन के काम भी आ जाएगी, दिन में भी वही खा लूँगी। और मैं खा रही हूँ रोटी, बड़े वाले कटोरी में ला रखी मैंने वो दाल। सो हो गई, मैं अभी ऑफिस के लिए तैयार हूँ। मैंने अंदर ना लाइट जला ली थी मंदिर में, मंदिर वाला रूम है मेरा। चलती हूँ क्योंकि टाइम हो गया है। पता नहीं चाहिए, पता नहीं कहाँ रखूँगी घर। जब मुझे देर होने का होती है ना तो मेरी नहीं अच्छी, पहले ताला चाबी ढूंढती हूँ। गई आज मैंने ये दूसरी जगह पे रखी थी तो मेरी बड़ी दिक्कत से। चलिए मैं आप ताला, मिलते हैं आपको फिर। यहाँ पर बहुत सारी धूप आ रही है और निकल गई हूँ आप इसके लिए। हम अभी ऑफिस में थे तो बाहर देखा ढोल दमाओं की आवाज़ आ रही थी, तो यहाँ पे एक माता रानी आ रखी थी, वहीं जिठाई माता। सब मैं ऑफिस से घर भी पहुँच चुकी हूँ और अभी बज रहे हैं 2:08 हो रहे हैं। मैं आई थी 1:52 पे, ऑफिस से निकली थी और मैं पहुँच गया अभी। मैंने आके मुँह हाथ धो के और एक फ्रूटी थी वो फ्रूटी भी पी ली। अब मैं बना रही हूँ दाल, मैंने सुबह बना ली थी। और दाल मैंने सिर्फ गर्म किया फ्राई पैन में, मैंने थोड़ा सा अपने लिए चावल रख दिए आधी कटोरी, आधी कटोरी में बच जाता है, मैं ज़्यादा थोड़ा थोड़ा खाती हूँ। मैं अभी दही भी लाई थी, क्या बोल गए मैं इसको, एक दही लाई थी मैंने, कहा दही खाऊंगी दाल के साथ। फिर मुझे याद आया कि रायता बना देती हूँ, तो ना मैं उसके साथ इसका थोड़ा सा बारी बारी प्याज काट रखी, तो प्याज वाला रायता बनाऊँगी, दिखाती हूँ आपको कैसे बनाते हैं। प्याज को मैंने ऐसे बारीक बारीक काट दिए, मतलब छोटे छोटे टुकड़े ऐसे, इसका इसमें मिलाऊंगी प्याज को, फिर दही मिलाऊंगी। मैंने दही और वो मिला दिया है, प्याज थोड़ा सा बनाया मैंने सिर्फ अपने लिए जितना मैं खा सकूँगी, क्योंकि अगर प्याज को भाज रखते हैं तो ख़राब हो जाता है। तो इसमें थोड़ा सा डालूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ा सा मसाले भी डालूँगी, थोड़ा सा मसाले भी डाल दिया है मैंने इसमें। इसको मिक्स कर दूँगी थोड़ा, बना लिया मैंने अपने लिए रायता थोड़ा सा, क्योंकि जितना खाना है उतना ही बनाने के लिए वेस्टेज है। और 15 में मेरा खाना भी बन गया है। पहले मैं खाना खा लेती हूँ क्योंकि मुझे अभी फिर जाना है ऑफिस, तो पहले मैं खाना खा लेती हूँ और दिखाती हूँ आपको क्या बना रखा है। दाल भात और रायता, पहले इसको खाती हूँ तो दिखाती हूँ। होने वाले हैं 2:45 हो रहे हैं, तो मुझे जाना है ऑफिस। तो रखते हैं अपना बोरिया बिस्तर, बोरिया बिस्तर क्या, अपना बैग, पानी की बोतल, और क्योंकि शाम को आना है 5 तब तक के लिए पानी की बोतल वगैरह सब कुछ रखना है। तो अभी है ना, ये हमारे बचपन में बहुत होती थी, मतलब 1 रुपये की 4 मिलती थी ना, तब हम इसे बहुत खाते थे। जो हमारे टाइम के होंगे उनको तो उनको तो याद होगा ही, बट अब बहुत कम मिलती हैं, पता नहीं क्यों। ताला चाबी उठा लेती हूँ यहाँ से। सब पहुँच गई चुकी मैं ऑफिस और अभी 3 बजे काम करती। सो अभी मेरे को इनका फोन आ गया कि मैं बाहर पे आ गया हूँ, तो तू भी चल मार्केट,
बाल बुल तो ठीक ही हैं, पर चल जाते हैं। ये माँ मैं थोलू गिरी थोलू था, कोई कोई बोलते होंगे ना ये डेली इसने ये वाला स्टॉल सा क्यों रखा रहता होगा। मुझे कोइंसिडेंसली यही आ जाता है हर टाइम, पता नहीं कैसे। चलती हूँ मैं, और अभी मैं पहुँच चुकी हूँ मार्केट। कैसे है मार्केट पहुँच गई समय, वहाँ से मैं थोड़ा छोटी मोटी शॉपिंग करनी है, कुछ लाना है सामान वगैरह, तो चलो चलते। यहाँ पे इन्होंने मिली, इन्होंने बोला चल बाजार चल, मुझे नहीं पता था कि मुझे ये दिलाएंगे, और हम मार्केट गई तो इन्होंने बोला इसमें से ला कोई, वैसे मुझे लाना था बट फिर इन्होंने बोला आज ले ले। और ये मैं इनको पूछ रही थी कि मैं कौन सा वाला चूज़ करूँ, फिर इन्होंने बोला कि कोई सा भी पहन ले, फिर मैंने ये बीच वाला चूज़ किया, बीच वाला ये वाला इन्होंने बोला कि ये चूज़ कर, और फाइनली मुझे यही पसंद आया और मैं यही लाई लास्ट में, पर मुझे अच्छा लगा। तो आगे से पहले उन्होंने चाबी गाड़ी में ही छोड़ दी थी रूम की, मैंने रखी थी ना डेस्क बोर्ड में, पर मैं भूल गई थी। सो आज मैं लाई हूँ ये, वो तो मैंने बहुत बार बोल दिया ना क्योंकि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। लाटा आज खर्चा करा दिया था लाटे की तरह। ओ माय गॉड, ये तो गिर गई, आपको दिखाऊंगी मैं क्या लाई हूँ। ये है सरप्राइज, टिंग टिंग। ये ना मेरी स्वीट आगे वाली इयर रिंग है और मुझे दिलाई है इन्होंने, अगर ये मेरे से रुपए वापस नहीं मांगेंगे तो चल ठीक है। जो मेरी सरप्राइज एक बिल बनाने का बिल ये बनाएंगे तो बिल बनाएंगे 20,000 कोली लिख दी थी, लिख भी नहीं बहुत सर कोली थे। फुल टाइम आ गया तो इन्होंने कहा मुझे थोड़ा सा जूस बना दिया, और आज मैं इसी जूस को लाई थी बुरांस का जूस है, इन्होंने ये बन गया हमारा बुरांस का जूस इनके लिए ठंडे पानी में। अरे इनको देती हूँ मैं, तो अगर मेरा मन करेगा तो मैं पीऊँगी थोड़ा सा, नहीं तो मैं नहीं पीऊँगी। पहले इनको दे देती हूँ, लीजिए। तुम काले से क्यों आ रहे होंगे, कैसा लग रहा है, मीठा हो रहा है पक्का? और भी अभी और भी है ना, सो क्यों बनता ना। अभी मैं बना रही हूँ खाना और सब्जी रख दी है मैंने लौकी की, और आटा गूंद दी, थोड़ा सा आटा सुबह का बचा था, थोड़ा सा आटा भी गूंद दी, थोड़े से चावल बचे हैं इनके लिए दिन के लिए, तो ये थोड़ा सा चावल खा लेंगे और मैं नहीं खाऊँगी पास, पर ये खा लेंगे थोड़ा सा है, तो आटा गूंदती थोड़ा सा, वैसे थोड़ा सा बचा है और थोड़ा सा गूंद देती हूँ। सो अभी हमने खाना खाना भी खा लिया है, और बर्तन बर्तन सब धो दिए मैंने, और ये सो भी गई है, ये सो गए हैं, तब तो मैंने बर्तन बर्तन सब धो दिया, मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा है पीने के लिए। तो करते हैं आज के ब्लॉग की एंडिंग, आई होप आपको वीडियो पसंद आए, इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं निधि मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय बद्री विशाल।